इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, लाइटली गोल्डन कलर हो जाए, बहुत अच्छे से फ्लेवर आ रहा है। इसके बाद ये जो कटा हुआ टमाटर, कम से कम बड़े 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 साइज के चार ही टमाटर मैंने लिया है, थोड़ा अच्छा से इसको खिलाना है। सॉल्ट, सॉल्ट जरूरत प्रमाण, अब आवश्यकता अनुसार सॉल्ट डाल देंगे। वन साइड राइस थोड़ा सा बाकी है, इसको हम बंद कर देंगे। इसको ढकना जरूरी है, अच्छी तरह से ढक देंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। हम इसमें राइस रेडी हो गया है, हम इसको ये हो जाने के बाद इसमें डालेंगे। ये जो टमाटर है पूरी तरह से गलना चाहिए, मिक्स होने चाहिए, ये कच्चे रहेगा तो नहीं चलेगा। फिर से ढक देंगे, ये जो अभी तो पक रहा है, मेरा जो टमाटर पक रहा है ऑलरेडी। और उसमें एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये देखिए जो मेरे ये सारे बर्तन हैं वो तो बिल्कुल ट्रेडिशनल है, ये पीतल का बर्तन है, ये भी मैं पीतल का बर्तन ही है मेरा। मैं सारे जो कुकिंग पॉट मैं ट्रेडिशनली यूज करता हूँ, जैसे मिट्टी का, पीतल का, कांसे का, ये सब यूज करता हूँ। ये सब यूज करने से हमारा शरीर के ऊपर बहुत असर करता है, यानी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होता है हमारे हेल्थ के लिए। क्योंकि हम जिस पॉट में खाना बनाते हैं, जिस पात्र में खाना बनाते हैं, वो जो धातु का तत्व जो है वो खाने में मिल जाता है। और नॉनस्टिक और एल्युमिनियम खाने बर्तन में अगर हम खाना पकाते हैं तो वो तत्व भी खाने में मिलता है, वो शरीर के लिए बहुत तो हानिकारक साबित होता है। इस और दूसरी चीज़ ये हमारे बिल्कुल स्वदेशी चीज़ है, ये हम अगर अपनाते हैं हम स्वदेशी चीज़ तो हमारा देश का पैसा जो है वो भी बच जाता है। और चाइनीज सामान, नॉनस्टिक सामान जो हमारे इंडिया के अंदर विदेश से आता है, अगर वो हम खरीदते हैं तो हमारा पैसा विदेश में जाता है।
हमारा देश कमज़ोर होता है। ये देखिए ये जो लहसुन के कली है मैं बिल्कुल आखा डाला हूँ। आप इसको थोड़ा क्रश करके भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी और मिर्ची पाउडर। बिल्कुल देखिए टमाटर गल चुका है। क्या करेंगे, ऑलरेडी टमाटर गल चुका है हमारा। जो राइस है, राइस हम जाले से निकाल के इसमें हम ऐड करें। सारे राइस हम ऐड कर दिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे चीज हम डाल चुके हैं। और एक ही चीज़ हमारा बाकी रहा है अभी फिलहाल ऐड करने के लिए, ये है कोदमीर यानी धनिया। हम बिल्कुल गैस फ्लेम कम कर देंगे, अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ये हमारा टमाटर राइस रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया हमारा टमाटर राइस। तो इसके साथ हम कुछ भी, कोई भी फ्राई, जैसे कि बैंगन का फ्राई, ओके, और सलाद, रायता, ये सब के साथ भी हम खा सकते हैं। आप घर पे भी ट्राई कीजिए, फिर टेस्ट कैसा है मुझे बताइए। ओके, जय हिंद, जय भारत।